दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा, शुभमन गिल और कोहली को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले के बाद फूट फूट कर रो पड़े बाबर आजम ने मिली शर्मनाक हार के बाद दिल से नमन करते हुए आखिर भारत के लिए क्या कह गए और इस दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली को क्यों उन्होंने याद किया, धोनी पर भी बोले। आखिर पूरा बयान बाबर आजम का वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि बाबर आजम, रोहित शर्मा, विराट कोहली में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, वर्ल्ड कप के एक और रोमांचक मुकाबले की शुरुआत पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम से हुई, जहां इस मैच में पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यहां पाकिस्तान की टीम को कहीं का नहीं छोड़ा। 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 367 रन बना डाले और 368 रन का लक्ष्य पाकिस्तान के आगे रख दिया। हालांकि शुरुआत जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने की थी तो दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए ही 259 रन जोड़ दिए थे। ऐसा लग रहा था कि यहां पर मिचेल मार्श अपना दोहरा शतक करेंगे और डेविड वार्नर भी, लेकिन दोस्तों मिचेल मार्श के 121 रन पर आउट हो जाने के बाद कोई भी बल्लेबाज पारी को संभाल नहीं पाया। इस दौरान मैक्सवेल पहली गेंद पर आउट हुए तो वही स्टीव स्मिथ 7 रन बनाकर ही चलते बने और मार्कस स्टोइनिस ने 21 रन की पारी खेली। जैसा कि आप सब यहां पर देख भी सकते हो, बाकी बल्लेबाज तो 8-6-2 रन बनाकर ही आउट हो गए, लेकिन डेविड वार्नर ने यहां ऑस्ट्रेलिया के लिए 163 रन बनाए और अपनी इस पारी में 14 चौके और 9 छक्के भी लगाए। हालांकि यहां पर शाहीन शाह अफरीदी को 5 बड़े विकेट जरूर मिले, लेकिन दोस्तों स्कोर काफी ज्यादा जब तक बन चुका था और पाकिस्तान की टीम अब चाहती थी कि उनको एक अच्छी साझेदारी मिले अगर उन्हें 368 रन इस मैदान पर बनाने हैं तो। और जब अब्दुल्ला शाफिक और इमामुल हक ने पारी की शुरुआत की तो दोनों बल्लेबाजों ने यह शतकीय साझेदारी को अंजाम दिया। इस दौरान इमामुल हक का बल्ला भी तेजी से चल रहा था तो वहीं अब्दुल्ला शाफिक भी कहां पीछे रहने वाले थे। दोनों बल्लेबाज देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत की तरफ आगे बढ़ाते चले गए और इस बीच पहला झटका पाकिस्तान को अब्दुल्ला शाफिक के रूप में लगा, जो कि 64 रन बनाकर मार्कस स्टोइनिस का शिकार बने और दोस्तों ये विकेट गिर जाने के बाद फिर बाबर आजम ने यहां टीम को संभाला। और दोस्तों बाबर आजम बखूबी जानते थे कि भारत के खिलाफ जब उन्हें हार मिली तो यहां यह मुकाबला जीतना कितना जरूरी है और बाबर आजम ने आज वही पारी खेल दिखाई। इस दौरान सब कुछ अच्छा चल रहा था, बाबर आजम का बल्ला भी 18 रन पर चल रहा था, लेकिन दोस्तों एडम जाम्पा ने जैसे ही उनको पैट कमिंस के हाथों कैच आउट करवाया वहां से पाकिस्तान की टीम का खेल बिगड़ गया और दोस्तों यहां मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुकता हुआ नजर आया। और इस बीच बाबर आजम ने रोते हुए भारत पर और यहां तक कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और फैंस पर जो कहा, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों बाबर आजम कहते हैं, भारत में आकर खेलना हर एक मुकाबला अपने आप में एक अच्छा अनुभव महसूस कराता है। पिछली बार जब हमें भारत के खिलाफ हार मिली थी तब हमने अपनी गलतियों में सुधार करने की कोशिश की, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शायद हम रन कुछ ज्यादा पड़वा बैठे। मैं चिन्नास्वामी की पिच पर पहले कभी खेला नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस पिच का इतना तो अंदाजा था कि यहाँ पर 300-250 रन पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया को रोक देते तो शायद ये टारगेट चेस करना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता, लेकिन हमारे गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हारिस ने रन तो ज्यादा पड़वाए लेकिन उन्होंने मिलकर 9 विकेट भी हासिल किए, जो कि हमारी टीम की एक पॉजिटिव साइड है। हालांकि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी मैंने चुनी थी और हमें पहले ऑस्ट्रेलिया के 10 विकेट जल्दी चटकाने थे, लेकिन खैर इतना बड़ा लक्ष्य होने के बावजूद भी हमारे बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी, हमने यह भारतीय टीम से ही जीता है। कि सामने अगर आपकी टीम के पास कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, आपको कभी भी मैच जब तक खत्म ना हो जाए हार नहीं माननी चाहिए। मोहम्मद रिजवान, साउद शकील ने पूरी कोशिश की तो क्या हुआ, आगे भी अभी वर्ल्ड कप के और भी मुकाबले हैं, हम आगे के मैचेस को और भी अच्छे से खेलेंगे और इस बार टॉप 4 में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो भारत की, रोहित शर्मा की और यहां तक कि कोहली, धोनी की भी मदद लेकर अपनी टीम में इम्प्रूवमेंट करेंगे। मैं जानता हूं कि हमारे लिए पूरा देश हमेशा तत्पर खड़ा है और जो फैंस हमें सपोर्ट भारत के कर रहे हैं वैसा सपोर्ट हमें आज से पहले कभी नहीं मिला। तो दोस्तों यहां पर दिल जीत लेने वाला बयान देकर बाबर आजम ने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पर कब्जा कर लिया। बाकी अब आपका क्या मानना है, बाबर आजम ने जो कहा उसके बारे में अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।